हेलो माय शिमरिंग स्टार, आई एम अनामिका दहिया। वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी और यहाँ पे हम जो लर्निंग के डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लर्निंग का जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है मेमोरी, मतलब जिसकी वजह से हमारी लर्निंग होती है या लर्निंग को जो डिसाइड करता है वो है मेमोरी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि मेमोरी, स्मृति क्या होता है, मीनिंग ऑफ मेमोरी। अगर मैं इटिमोलॉजिकली बात करूं, इटिमोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ में। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, जो मेमोरी वर्ड था, स्मृति का अर्थ बता रही हूँ मैं आपको, लैटिन वर्ड से निकला था जिसका नाम है, लैटिन जो वर्ड था उसका नाम है मेमोरिया। मेमोरिया का मतलब क्या होता है, द फैकल्टी ऑफ रिमेम्बरिंग, याद करना, रिमेम्बरेंस, याद रखना, मेमोरी, स्मृति, अ हिस्टोरिकल अकाउंट, या फिर जो इतिहास में घटित घटनाएं हैं उनके बारे में। तो मेमोरी आपको इटिमोलॉजिकली क्या समझ आया कि एक लैटिन वर्ड है, मेमोरिया, मेमोरिया वर्ड से निकला हुआ है और मेमोरिया का मतलब होता है रिमेम्बर, रिमेम्बरेंस, मेमोरी एंड अ हिस्टोरिकल अकाउंट। ओके, मतलब इतिहास में हमारे साथ जो घटनाएं घटी हैं उनका डिस्क्रिप्शन। क्लियर। इसके बाद है मेमोरी। अब यहां से हम जानना जानेंगे कि मेमोरी होती क्या है। तो ये डेफिनेशन है या मीनिंग लगा लो आप, मेमोरी मींस द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू ब्रिंग बैक, टू रिकॉल टू माइंड ऑल द कॉन्शियस लेवल आर पास्ट एक्सपीरियंसेस आर रीइंस्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन द मैनर एंड ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल। मतलब जो हमारे अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे किसी सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट में सेव है। ठीक है, अब वो सबकॉन्शियस माइंड के जो पार्ट में सेव हैं तो जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी तभी आप उन्हें क्या करोगे, याद करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं पूर्व अनुभवों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड पे लेके आना, वही हमारा क्या कहलाता है, मेमोरी। इसके बाद है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में है पहले, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न, जो पुराने समय में किसी ने याद किया है, उनका अधिगम किया है, उनके बारे में दोबारा से रिवाइज करना, दोबारा से रिमेम्बर करना क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी है, वुड्सवर्थ ने। देन इसके बाद, मेमोरी मीन्स नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ समथिंग प्रीवियसली नोन और एक्सपीरियंस्ड अकंपनीड बाय कॉन्शियसनेस दैट वन हैड द प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस। यही वही मीनिंग है बेटा सबके, कि हम अवेयर हो जाएं जो हमने प्रीवियसली एक्सपीरियंस किए थे, अब हम उन्हीं चीजों को अपने चेतन मन में लाके प्रीवियस नॉलेज को फिर से रिन्यू कर ले। ये किसकी डेफिनेशन है, गुड की। फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, फैक्टर फर्स्ट है लर्निंग और रजिस्ट्रेशन, मतलब लर्न करना, सबसे पहले कि हमें स्टोर करना स्टार्ट करना है, वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग। फिर रिटेंशन, उसे सहेज के रखना। देन रिकॉल, टाइम पढ़ने पर रिकॉल करना। देन रिकॉग्निशन, ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं सीखना या पंजीकरण। उसके बाद प्रतिधारण, सेफ रखना, धारण करके रखना कुछ समय के लिए, जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं ना, धारण करने का यही मतलब होता है। देन स्मरण, स्मरण करने का मतलब है याद करना, दोबारा से याद करना। देन इसके बाद पहचान, मतलब अगर आपके सामने ये चीज वापस आ जाए, मान लो किसी से आप 10 दिन पहले मिले हो और आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो वो उसकी रिकॉग्निशन हो जाएगी। इसके बाद है लर्निंग और रजिस्ट्रेशन। अब जो इसके चार कारक थे, अब उन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। लर्निंग और रजिस्ट्रेशन क्या है, ये कैपेबिलिटी है बाय वर्चू विच एवर एक्सपीरियंस और लर्निंग लीव्स बिहाइंड ट्रेसेस विच आर conserved in the form of engrams and this is known as learning। तो learning क्या हुई, एक ability है हमारे experience की, जो हमारे mind में पीछे as a traces की तरह क्या हो गए हैं, save हो गए हैं। और इन्हीं के जो saving थे, ये कुछ अपने निशान छोड़ जाते हैं, मतलब हमारे दिमाग में कुछ रह जाता है और वो संरक्षित हो जाते हैं, इसी को सीखना कहते हैं। मतलब मैं क्या कह रही हूँ आपको, इट इज अ टाइप ऑफ एबिलिटी विच रिस्टोर आर थॉट्स और इन्फॉर्मेशन एंड इट लेफ्ट बिहाइंड द सम ट्रेसेस ऑफ दैट लर्निंग। ओके, इसे ही आप क्या बोलोगे, सीखना। क्लियर। yeah?
इसके बाद है रिटेंशन. रिटेंशन होता है क्या? प्रतिधारण. मैंने आपको बताया था ना कि प्रतिधारण करना. फिर रिटेंशन का क्या मतलब है? दीज एनग्राम्स और मेमोरी ट्रेसेस आर प्रिजर्व्ड इन आवर ब्रेन. ये मेमोरी ट्रेसेस हमारे ब्रेन में सेव हो जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं दैट हेल्प ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र की वजह से. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिटेंशन. हमारे माइंड में उन लर्निंग का कुछ टाइम के लिए या कुछ ट्रेसेस रह जाना रिटेंशन है. एंड ड्यूरेशन ऑफ द रिटेंशन डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ मेमोरी ट्रेसेस. अगर आप कुछ चीजें याद रखते हो तो वो भी आपके मेमोरी ट्रेसेस पर डिपेंड करता है, और कुछ चीजें भूल जाते हो तो वो भी आपकी डिपेंडेंसी है कि आपके मेमोरी ट्रेसेस कितने सेफ हैं. इसके बाद प्रतिधारण यही है कि हमारे जो स्मृति चिन्ह होते हैं वो हमारी तंत्रिका तंत्र की मदद से हमारे मस्तिष्क में जो है संरक्षित हो जाते हैं. इसी प्रक्रिया को प्रतिधारण कहा जाता है. प्रतिधारण का विचलन स्मृति चिन्हों की ताकत और गुणवत्ता, मतलब हमारा प्रतिधारण जो था, रिटेंशन जो थी, वो सेफ रहेगी या डिलीट हो जाएगी, उसकी डिपेंडेंसी रहेगी कि हमने उस मेमोरी के ट्रेसेस कितने बना रखे हैं. ठीक है. इसके बाद आता है रिकॉल. रिकॉल का मतलब होता है स्मरण करना, याद रखना, या फिर दोबारा से रिवाइज कर देना. व्हेन एन इंडिविजुअल परसीव सम ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल वी वांट टू रिकॉल हिज एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉल. मतलब जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी व्यक्तिगत, मतलब किसी व्यक्ति को या किसी पदार्थ को, ऑब्जेक्ट को जो प्रीवियस एक्सपीरियंस में है रिकॉल करता है, बैक टू मेमोरी लेके आता है एट दैट कॉन्शियस लेवल, उस रिकॉल को कहा जाता है हमारा, मतलब उस ओकेजन को कहा जाता है रिकॉल. तो स्मरण करना क्या हुआ? जब व्यक्ति उसी वस्तु या व्यक्तियों को देखता है और अपने पिछले अनुभवों से याद करना चाहता है कि ये तो हम इनसे कभी मिले हैं और इनके ट्रेसेस मिल जाते हैं हमारी मेमोरी में, तो यही स्मरण कहलाता है. ओके. स्मरण करना क्या हुआ? जब भी आप किसी वस्तु या व्यक्तियों से मिलते हो तो आपके पिछले अनुभवों में मिले हुए हैं आपसे, और उन्हीं के मेमोरी ट्रेसेस आपसे मैच हो जाते हैं, तो हम उन्हें स्मरण कर पाते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. इसके बाद है रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन मींस, इट मींस दैट द रिकॉर्ड एक्सपीरियंस इज एट द कॉन्शियस लेवल. मतलब जब आप चीजों को क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो एट अ कॉन्शियस लेवल, इट इज द सेम फॉर्म विच द इंडिविजुअल वॉन्टेड टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस अर्लियर. मतलब कि आपने अब सारी चीजें याद कर ली हैं, आप अनुभव भी कर चुके हो, तो इससे क्या हो रहा है? इट मीन्स रिकॉर्ड द एक्सपीरियंस एट इट कॉन्शियस लेवल. जब आपको आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो कॉन्शियस लेवल पे कर लेनी है, और याद अगर आप रिकॉर्ड कर पाते हो, उसे रिकॉल कर पाते हो, तो वो आपके सचेतन मन पे दोबारा से आ जाता है. तो रिकॉग्निशन करने का मतलब क्या है कि आप उन चीजों को क्या कर रहे हो, दोबारा से कॉन्शियस लेवल पे लेके आ रहे हो. क्लियर. देन इस टेबल में मैंने आपको दिखा, मतलब अभी तो हमने डिटेल्ड पढ़ लिया, बट लर्निंग क्या होती है, एनालिसिस करने लग जाऊं तो लर्निंग क्या हुई? मेकिंग ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, बौद्धिक स्ट्रक्चर बनाना. ठीक है. रिटेंशन, प्रिजर्व करना. रिकॉल, मतलब जैसे हम खोते हैं ना चीजों को और दोबारा से मेंटल स्ट्रक्चर में से ढूंढ के निकाल रहे हैं वो वाली चीजें. एंड रिकॉग्निशन है कि कंपैरिजन करनी है अपनी मेंटल स्ट्रक्चर की और रियलिटीज की, और ये ढूंढना है कि यस वी रिमेंबर दैट वन और नॉट. टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी. मतलब ये एक है और दूसरे के साथ कॉन्ट्रेरी दी हुई है उसकी. ठीक है. पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल, एक्टिव पैसिव, हैबिट ट्रू, विजुअल ऑडिटरी, रोट एंड लॉजिकल. ठीक है. इसके हिंदी में है तत्काल और स्थायी, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, सक्रिय और निष्क्रिय, आदत और सच्ची. मतलब कुछ हम हैबिट बना लेते हैं, कुछ ट्रू मेमोरी होती है, कुछ हमारे देखने पर डिपेंड करते हैं, हम मेमोराइज कर लेते हैं, और कुछ सुनने से ही मेमोराइज कर लेते हैं, कुछ हम रट लेते हैं, और कुछ हमारे लॉजिकल होते हैं. क्लियर. इसके बाद है इमीडिएट एंड परमानेंट. इमीडिएट मेमोरी क्या होती है? ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आप कुछ मटेरियल को लर्न कर लेते हो और इमीडिएटली उन्हें रिकॉल कर लेते हो, तो ये हमारी इमीडिएट लर्निंग होती है, और ये शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए होती है. जैसे कि आप ना एग्जामिनेशन सेंटर पे गए और आप आज आपका एग्जाम है, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे खड़े हुए हो, आपके अभी 10 मिनट रहते हैं पेपर स्टार्ट होने, तो आप बुक्स रिवाइज कर रहे हो, तो आपको किसी ने ये बोल दिया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे भी पढ़ लो, तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हो, तो आपकी जो वो लर्निंग है ना वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके माइंड में सेव हो जाती है, और उसे आप जाके पेपर में, अगर वही आप देखते हो पेपर में जाके वही क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप फटाफट क्या करोगे, उसे लिख दोगे कि मैं कहीं भूल ना जाऊं, तो ये मेरी इमीडिएट लर्निंग हो जाएगी. क्लियर. इसके बाद है परमानेंट मेमोरी.
परमानेंट मेमोरी है. दिस टाइप ऑफ मेमोरी वी कम टू रिमेम्बर थिंग्स परमानेंटली एट द इंडिविजुअल डेवलप एसोसिएशन ऑफ आइडिया अंडरस्टैंडिंग द कैपेसिटी. परमानेंट मेमोरी क्या हुई, ये एक टाइप की मेमोरी है जिसमें आप चीजों को परमानेंटली लर्न कर लेते हो और आपकी स्थायी स्मृति बन जाती है और आपके पास इतनी कैपेसिटी ऑफ नॉलेज होती है कि आप उसे बार बार दोबारा से भी रिकॉल करके एसोसिएट कर सकते हो न्यू नॉलेज के साथ. स्थायी स्मृति क्या हुई, इस प्रकार की स्मृति जिसमें हमें चीजों को स्थायी रूप से याद करते हैं और विचारों की समझ और ज्ञान को लागू करने की क्षमता को विकसित करते हैं. क्लियर. तो परमानेंट मेमोरी क्या हुई, एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आपने जो भी रिमेम्बर किया है, जो भी लर्न किया है, आप इमीडिएट बेसिस पे आप उसे रिकॉल कर सकते हो और ये एक टाइप की आपकी एबिलिटी है कि आप उसे परमानेंसी दे रहे हो. ओके, हमारी नेक्स्ट है पर्सनल एंड इम्पर्सनल मेमोरी. पर्सनल मेमोरी है, आप किसी इवेंट में गए हो या अपनी लाइफ में आप किसी पर्सन से मिले हो कभी जिसका नाम है राम. आपने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की और उन्होंने भी कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की और आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैच कर गई, आपके थॉट्स मैच कर गए हैं और आपने एक मेमोरी बना ली कि राम इज अ नाइस गाय. ठीक है, उसी उन्हीं राम से कोई और मिला है, लाइक एक्स पर्सन उनसे मिला और उन्होंने किस टॉपिक पे बात की, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी टॉपिक पे बात की, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की, इन्होंने भी अपनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की बट थॉट्स आर नॉट मैचिंग. ठीक है, मैच नहीं कर रहे. तो एक्स ने अपनी पर्सनल मेमोरी बना ली कि राम इज अ वेरी बैड गाय. ठीक है, बैड गाय. तो ये पर्सनल मेमोरी है. पर्सनल मेमोरी है जब हम अपनी मेंटल इमेजेस पर्सनली कलेक्ट की हुई थिंग्स के अकॉर्डिंगली, अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं और उसी पे लिमिट आउट हो जाते हैं. तो वो हमारी पर्सनल मेमोरी होती है जिसे हम व्यक्तिगत कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, कुछ मानसिक छवियां व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एकत्रित कर लेता है और उसी के दृष्टिकोण पे सीमित हो जाती है वो चीजें. वो मेरे दृष्टिकोण पे सीमित हो गई कि राम इज अ नाइस गाय और एक्स पर्सन जो उनसे मिला उनके दृष्टिकोण पे क्या सीमित हो गई, ही इज नॉट अ नाइस गाय, ही इज अ बैड गाय. तो ऐसे पर्सनल मेमोरी होती है जब हम अपने ही व्यू पॉइंट पे किसी मेमोरीज को सेव कर लेते हैं. अब आते हैं इम्पर्सनल. मेंटल इमेजेस गैदर फ्रॉम द बुक्स से मिली हैं, न्यूज़पेपर से मिली है. यहाँ आप अपने पर्सनल थॉट नहीं बना रहे हो, आपने जैसा पढ़ा, आपने जैसा सुना, आपने उन्हें सेव कर लिया अपने दिमाग में, तो वो आपकी इम्पर्सनल हो जाएंगी, अव्यक्तिगत हो जाएंगी, जिसमें आपने किन्हीं व्यक्तियों, समाचार पत्रों और इनसे मानसिक छवियां जो क्या की हैं कलेक्ट करी हैं. इसके बाद है एक्टिव. नाम से ही समझ आ रहा होगा, सक्रिय है. एक्टिव मेमोरी जब होती है, जब आप किसी चीज पे डिबेट कर रहे होते हो, कोई एफर्ट लगा रहे होते हो, किसी चीज को रिमेम्बर करने की कोशिश कर रहे होते हो, रिटेन एक्टिवली मेमोरी होती है व्हेन यू वांट दैट थिंग शुड बी सेव इन माय माइंड. तो जब आप क्या करते हो, चीजों को सेव करने की कोशिश करते हो, ये मधुमेह नहीं है, सॉरी बेटा, हिंदी में थोड़ी हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक, डिबेट है. ठीक है, और इन्हीं से हम अपना अनुभव बना लेते हैं. तो एक्टिव मेमोरी क्या है, व्हेन द इंडिविजुअल इज एक्टिव टू सेव द रिकॉल टू रिमेम्बर टू रिटेन, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज एक्टिव मेमोरी. एंड द पैसिव मतलब निष्क्रिय मेमोरी कौन सी होती है, ये पास्ट एक्सपीरियंस में हुआ है जिनके रिकॉर्ड स्पॉन्टेनियसली बन गए और आपको एकदम से कोशिश पड़ गई है कि आप उन्हें कॉन्शियस पार्ट में लेके आ रहे हो बिना किसी एफर्ट के, वो आपकी पैसिव मेमोरी हो जाती है. मतलब ये अतीत के अनुभव हैं जो हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं और किसी गंभीर प्रयास करने के पे ही आपके चेतन भाग पे आ पाते हैं. और जब एक्टिव होगी, आपने खुद से कोशिश करके उसे ऐड किया अपनी मेमोरी में, तो फटाफट ऐसे याद कर लोगे. मान लो किसी एग्जाम में बैठे हो आप और कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्टिव मेमोरी, तो आपने जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि डिफाइन इम्पर्सनल मेमोरी, देन यू वर लाइक मैम ने पढ़ाया था, कहीं तो सुना है, कहाँ पे कराया था, ऐसे ऐसे चीजें जब आप कर रहे हो बट आपने सुनी है, वो रिकॉर्ड तो है आपकी मेमोरी में, बट यू आर ट्राइंग टू रिकॉल, बट यू एट द टाइम यू वर नॉट एक्टिव, यू आर पैसिव, तो वो आपकी माइंड में पैसिवली ही सेव हो गई है. इसके बाद है हैबिट एंड ट्रू मेमोरी. हैबिट मेमोरी होती है, इट इज रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन द मेंटल मेकअप एंड दिस फैक्ट्स आर कलेक्टेड इन अ मैकेनिकल मैनर, रिमेंबर फैक्ट विद एसोसिएशन ऑफ आइडिया. अब देखो हैबिट मेमोरी नाम से तो आप सोचोगे मैम ने तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें पढ़ दी, इसका क्या मतलब है.
हैबिट मेमोरी बिल्कुल एक्टिव मेमोरी जैसी है। हैबिट मेमोरी का मतलब है आदत स्मृतियां, जो चीजें आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, यू डू आर लॉट ऑफ टाइम, तो आपको क्या हो जाती है, वो चीजें बार 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 रिकॉल होने लग जाती हैं। तो आपके मेंटल मेकअप में, आपके मेंटल स्ट्रक्चर में वो चीजें अकॉर्डिंगली सेव हो जाती हैं। लाइक अगर आप एक गेम है, साइकिलिंग करना है, आप डेली कर रहे हो, आप कुछ नोट्स बनाना डेली कर रहे हो, तो आपके मेंटल मेकअप में ना वो हाथ की जो हैंडराइटिंग है ना वो बिल्कुल सेव हो गई है। आप कभी आपको द लिखना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ ना दिमाग में प्रेशर नहीं डालना कि THC स्पेलिंग होती है, आपके हाथ ही खुद लिख देते हैं उन चीज को। तो ये हमारी हैबिट मेमोरी होती है विच इज कलेक्टेड और एसोसिएटेड विद द बिकॉज ऑफ आर हैबिट्स। इसके बाद ट्रू मेमोरी होती है, मतलब ये आदत स्मृति क्या हुई, जब आपके तथ्यों का संग्रह किससे हो, आपके यांत्रिक तरीके, जैसे आप मशीन में काम करते हो ना, चीजें बार 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 कर रहे होते हो, तो ऐसे ही आपके मानसिक श्रृंगार में जाकर ये सेव हो जाती हैं, जो आपको इंगित करती रहती हैं कि आपके हैबिट फॉर्मेशन की वजह से एड ऑन हो गई है। अब जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मेरे ना हाथ खुद ब खुद चलते हैं, बिकॉज आई एम मच मोर हैबिचुअल टू डू द गेस्टर्स होम, तो मैं इनके लिए ज्यादा हैबिचुअल हो गई, तो ये मेरी हैबिट मेमोरी है। मैं ना चाहूं तब भी मैं ये चीजें करती रहती हूँ, रिपीटेडली डू दैट। फिर आती है ट्रू मेमोरी। ट्रू मेमोरी क्या होती है, जो हमारे मेंटल पिक्चर में सच्ची स्मृतियां होती हैं। दिस टाइप ऑफ क्वालिटी एसोसिएशन ऑफ आइडिया अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन द इंस्टीट्यूट एसेंशियल पार्ट ऑफ आर मेंटल मेकअप एंड टाइप ऑफ मेमोरी इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप द नॉलेज एंड द कैरेक्टर। सॉरी, सच्ची स्मृति क्या होती है, जो हमारे मानसिक छवियों और मानसिक चित्र में शामिल हो गई हैं और ये हमसे जुड़ गई हैं और ये हमारे मानसिक जो मेंटल मेकअप है उसका एक हिस्सा बन गई है। जैसे बच्चे को चरित्र का ज्ञान हो जाता है, बच्चे को डेवलपमेंट का ज्ञान हो जाता है, उसकी ग्रोथ का ज्ञान हो जाता है, तो ये ट्रू मेमोरी है कि जब आप अपने डेवलपमेंट कर रहे हो, आप बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हो, तो आप कुछ चीजें भरना चाहते हो बच्चों के अंदर, वो आपकी ट्रू मेमोरी हो जाएंगी। इसके बाद है विजुअल, नाम से समझ आ रहा है दृश्य, जो चीजें आपको देख के एक्सिलरेट करती हैं, आपको देख कर याद हो जाते हैं, वो हमारी विजुअल होते हैं। तो आर विजुअल इंप्रेशंस आर हाईली क्विक करेक्ट एंड सेट दैट द सीइंग बिलीविंग विजुअल इंप्रेशन से हुई है एंड लीव अ परमानेंट इंप्रेशन। जब आप चीजों को देख रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर ज्यादा परमानेंट इंप्रेशन पड़ता है और वही हमारा जो परमानेंट इंप्रेशन है वही एक स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है, जिससे कि आप देखो, आप कभी चीजें देख लेते हो ना तो आप भूलते नहीं हो, आप कोई मूवी देख लेते हो तो आप हार्डली भूल जाते हो, अगर आपको दोबारा दिखा देना यू कैन इजीली रिकॉल कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ, ये तो फलानी मूवी का सीन है, ये उसका सीन है। तो विजुअल मेमोरी हमारी परमानेंट मेमोरी की तरह काम करती है और एक ये मेंटल मेकअप में हमारा छाप छोड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद होती है ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब सुनने वाली, कि ऐसी सेंसेस, ऐसी मेमोरी जिसे आप सुनकर, वॉइसेस प्रोवाइड करके, मतलब जिसमें आप नॉलेज स्टोर कर रहे हो जस्ट बाय योर ईयर्स, आप सुन रहे हो, आप वॉइसेस जानने की कोशिश कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे कि ना आपके सामने आपको अगर कोई फ्रेंड कॉल कर रहा है, आप उसका फोन उठाते हो, आपने फोन कॉल पिक किया और उसने बोला हेलो, तो आप समझ जाओगे कि ये कौन कॉल कर रहा है, अगर वो न्यू नंबर से भी कॉल कर रहे हैं। तो ये हमारी ऐसी संवेदन सक्रिय मेमोरी होती है जिसके ऊपर हमारा मस्तिष्क जो सेव की गई है वॉइसेस हैं, सिर्फ उन्हीं पे आपकी नॉलेज को क्या करता है, कंडक्ट कर रहा होता है। इसके बाद है रोट एंड लॉजिकल मेमोरी। रोट मेमोरी क्रैमिंग वाली मेमोरी है, जैसे इमीडिएट वाली करी थी, तो रोट मेमोरी है जैसे एग्जामिनेशन के बाहर एक बच्चा खड़ा है और उसे बहुत सारे फैक्ट्स याद करने हैं, तो वो उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा होता, वो बस अपने मेंटल मेकअप में उन चीजों को जल्दी जल्दी डाल रहा होता है, रट्टा मार रहा होता है कि जल्दी से वो फेड ना हो जाए। तो इसीलिए रोट मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और ये जल्दी से फेड अप भी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है रटी हुई और तार्किक स्मृति। तो रटी हुई का मतलब समझ आ गया होगा कि याददाश्त आपकी कहती है कि आपको रटनी है चीजें, तो बच्चे क्या करते हैं उन चीजों को रटी हुई और तार्किक स्मृति, याददाश्त रटना मतलब जब बच्चे चीजों के तथ्य को, फैक्ट्स को रट्टा मार लेते हैं और अपनी याददाश्त में जल्दी से रिकॉल करने के लिए सेव कर लेते हैं और ये कभी भी स्थायी नहीं होती, ये जल्दी से भूल जाते हैं। तो हम अपनी मानसिक संरचना में छोटे टाइम पीरियड के लिए जब मेमोरीज को क्रैम कर लेते हैं तो हमारी रटी हुई याददाश्त होती है, स्मृति होती है, सॉरी। देन इसके बाद है लॉजिकल। लॉजिकल होती है जब आप मेमोरी को याद कर रहे हो, मान लो कोई हायर की याद कर रहे हो आप, तो आप क्या कर रहे होते हो,
पहले ये हुआ फिर ये हुआ. जैसे मैं आपको मैथ्स के बारे में ही बता दूं कि मान लो पहले नंबर काउंटिंग याद होगी, फिर तुम टेबल्स याद कर रहे होगे, ये आ जाएंगी तो मैम ना तुम्हें प्लस माइनस के सम देने स्टार्ट कर देंगी, मल्टीप्लिकेशन के सम दे देंगी, डिवीजन के सम दे देंगी. तो हम लॉजिकली चल रहे हैं, ऐसे लॉजिकल नहीं है. तो किसी इंडिविजुअल को जब चीजें अंडरस्टैंड करके लर्निंग हुई है तो वो हमारी लॉजिकल और तार्किक मेमोरी हो जाती है, मतलब तार्किक स्मृति हो जाती है. यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, तर्क देकर अपने उद्देश्य बताकर चीजों को समझने की कोशिश करता है और सीखता भी वैसे ही है. देन इसके बाद दो टाइप की मेमोरी और होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. देखो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हुई, जिसकी ड्यूरेशन आपके दिमाग में बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे कुछ 30 सेकेंड या इन चीजों के लिए होती है. जैसे आपने मूवी देखी होगी, एक मूवी है ना आमिर खान की जिसमें वो कुछ 10-15 मिनट के लिए याद रखता है, तो वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है जो आपको डेज ईयर्स इवन डिकेड्स तक चीजें याद रहती है. फिर इसके बाद है ये मेमोरी स्पैन बहुत छोटा होता है और 5 to 9 items ही एक बार में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव कर सकते हैं. जबकि जो ये वाला स्पैन होता है ये कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है, इसमें कैपेसिटी स्टोर करने की इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा होती है. ये मेमोरी कैसी होती है, देर इज अ नो ऑटोमेटिक रिहर्सल, यहाँ पे हम ऑटोमेटिक रिहर्सल नहीं करते हो, जिसकी वजह से वो जो ट्रेसेस हैं वो इरेज हो जाते हैं या फेड अप हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे मेमोरी ट्रेसेस आपके बार बार परमानेंसी की तरफ जाते हैं क्योंकि आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करते हो. अगर आप एक छोटे बच्चे थे, मान लो कभी आपसे कोई पूछता है कि तुम्हें साइकिल चलानी आती है, तो तुम फटाफट से ही बता देते हो कि हाँ मैंने ना सीखी थी, पर उस टाइम ना मैं इतना बुरा गिर गया था या मैं गिर गई थी, तो तुम बार बार रिकॉल कर रहे हो तो वो तुम्हें 30 साल बाद भी याद रहेगी. शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने एग्जामिनेशन वाला एग्जाम्पल दिया है. इनकोडिंग प्रोसेस ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी इज क्वाइट डिफेक्टिव, मतलब जो इनकोडिंग प्रोसेस है वो डिफेक्टिव है, आप रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, कीप अप करने की कोशिश नहीं करते, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं करते, यू डू नॉट हैव एनी लॉजिकल फेनोमेना, तो आप जल्दी भूल जाते हो. इनकोडिंग प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म में मेमोरी में होता है, हैंस इनकोडिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू वेल थॉट मीनिंग पैटर्न, पैटर्न की वजह से होता है, लिमिटलेस पीरियड के लिए भी हो सकता है और प्रॉपरली सेव है वो आपके दिमाग में. देखो मैंने साइकिल बोला तो तुमने इवेंट बोला, इवेंट बोलते ही एक चीज और आई कि इंजरी हुई, इंजरी हो गई तुमने उसके इवेंट बेसिस भी बताया, तो एक लॉजिकल ऑर्डर है ना कि पहले मैंने ये लर्निंग करी, साइकिल सीखना स्टार्ट करा, फिर मेरे साथ ट्रेजेडी हुई, फिर मेरे पास ट्रेजेडी के ट्रेसेस थे, फिर मैं अपनी कोई भी इंजरी भी दिखा दूं कि देखो मुझे यहाँ चोट लगी हुई है, मुझे आज तक निशान है. ऐसे द थिंग्स एंड द मेटीरियल ऑफ वन शॉर्ट टर्म मेमरी इज क्वाइट शॉर्ट लाइफ, इनकी बहुत छोटी जिंदगी होती है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और इनकी एडिक्वेट रिहर्सल ना होने की वजह से ये लर्नड भी जल्दी हो जाते हैं और फॉरगेट भी जल्दी हो जाते हैं. ये कंप्लीट फॉरगेटनेस ऑलमोस्ट अब्सेंट होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड में याद होते हैं तो परमानेंसी बन जाती है और ये हमारे कॉन्शियस माइंड में ही सेव रहती है. ठीक है, और कुछ सब पार्ट अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में भी चला जाता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, बट अगर आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल रही है, आप प्रॉपर रिकॉलिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपकी वही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. यहाँ पे कोई ट्रांसफर ही नहीं है, लॉन्ग टर्म का मतलब वो परमानेंट है, तो परमानेंट है तो शॉर्ट टर्म कैसे बन जाएंगी, आपको तो याद ही रहेंगी. द डिसअपियरिंग और इरेजिंग ऑफ द मेमोरी ट्रेसेस आर क्वाइट लिटल टाइम, थोड़े टाइम में ही आपके जो मेमोरी ट्रेसेस है वो इरेज हो जाते हैं और आपको अगर अर्ली अपॉर्चुनिटी मिले उन्हें सेंसरी चीजों से जोड़ने की तो आप जोड़ सकते हो, अदरवाइज गुड बाय कर जाओगे और ओल्डर वन सेफ रह जाएंगी. ऐसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी में डू नॉट शो सच स्पीड अप मेमोरी, जल्दी याद नहीं होता, धीरे धीरे याद होता है. मान लो आपको चोट लगी है, उस टाइम आप 5 साल के थे, आपको याद नहीं होगा, बट आपकी फैमिली मेंबर ने, आपकी मम्मा ने, आपके पापा ने आपको 10 बार बताया होगा, फिर तुम भी उस चीजों को बार बार बताने लग गए तो हमें रिमेम्बर हो गया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा. क्लियर, दोनों में डिफरेंस समझ आया? तो देखो इसमें 5 से 9 इकाइयों के अक्षर ही याद होते हैं और यहाँ पे पूरी पूरी कहानियां कर लेते हैं, घटनाएं याद कर लेते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी में चिन्हों जो चिन्ह थे मेमोरी चिन्ह वो जल्दी मिट जाते हैं, इसमें लॉन्ग टाइम के लिए थे. इसमें जो पुनरावृत्ति है वो नहीं होती तो ट्रेसेस इरेज हो जाते हैं, इसमें संजो के रखता है हमारा दिमाग. कार्यकाल बहुत छोटा होता है, 30 सेकंड के लिए, इसमें कुछ घंटों का हो सकता है, महीनों का हो सकता है, डिकेड्स का मतलब 10 वर्षों का भी हो सकता है. सूचनाएं जो है एक असंबंधित रूप से, मतलब एक अनऑर्गेनाइज रूप से याद की हुई है, इसमें ऑर्गेनाइज है.
उचित व्यवस्था नहीं की गई, इसमें उचित व्यवस्था की गई है, पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो मानव का ये है कि मानव पटल से वो चीजें इरेज हो जाएंगी, इसमें पुनरावृत्ति की गई है तो धारण कर सकते हैं हम चीजों को। उचित अभ्यास नहीं हुआ है तो हम इन्हें दीर्घकालिक नहीं रखेंगे, उचित अभ्यास हुआ है तो ये दीर्घकालिक है, और शॉर्ट को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाया जा सकता है बट लॉन्ग को शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं बनाया जा सकता। पुरानी सूचनाओं में अस्थिरता होती है, ठीक है, विस्मृति की कोई वो नहीं है, मतलब आप बहुत कम संभावना है कि आप चीजों को भूल जाए, इसमें विस्मृति बहुत जल्दी हो सकती है। विस्मृति का मतलब होता है फॉरगेटिंग, भूल जाना। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म, देखो मैंने आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी सिखा दिया है, आपको लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बता दिया है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसके ट्रेसेस आपके ईयर्स, डिकेड्स और सॉरी मिनट्स, डेज, मंथ्स और ईयर्स तक रह जाएं, जिस मेमोरी के ट्रेसेस आपके मेंटल मेकअप पे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म हो जाएगी, और जिसके मेमोरी ट्रेसेस बहुत कम समय के लिए रहे वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी। इसके बाद है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म, टाइप्स में है वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिस्टिंक्शन जो किसने की थी, टलविंग ने की थी। कब टलविंग ने की थी? 1972 में इन्होंने प्रपोज किया था, दो टाइप के तो थे ही, कि एपिसोडिक मेट्रिक एंड प्रोसीजरल, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो दीर्घकालिक स्मृति को जो पहले सबसे पहले भेदों में बांटा गया था वो किसने बांटा था? टलविंग ने। टलविंग ने बताया था कि आपकी एपिसोडिक मतलब प्रासंगिक होती है, मेट्रिक होते हैं, प्रोसीजरल भी होती है। इसके बाद है प्रोसीजरल, प्रोसीजरल नाम से नहीं समझ आ रहा, जिसके अंदर आपने कोई प्रोसेस फॉलो करा है। प्रोसेस का मतलब प्रोसीजरल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग हाउ टू डू द थिंग्स, मतलब इन विच यू आर अवेयर विद योर मोटर स्किल्स एंड यू आर अवेयर विद द स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन ऑफ द थिंग, मतलब जब आप कॉन्शियसली ये जानते हो कि आपको ये चीजें कैसे करनी है तो आप उसे प्रोसीजरल मेमोरी कहते हो। एंड इट इज अ अनकॉन्शियसनेस और ऑटोमेटिक थॉट एंड इट इज अ डिक्लेरेटिव, फॉर एग्जांपल प्रोसीजरल मेमोरी ऑफ नॉलेज हाउ टू राइड अ बाइसिकल, तो यही है, ये घोषणात्मक होती है, आप इसकी घोषणा कर सकते हो और जो इसकी प्रोसीजर है वो आपके माइंड में बिल्कुल सेव रहता है। तो जैसे आपको साइकिल चलाना है वो प्रोसीजरल है, आपको प्रोसेस से याद हुआ है बार बार कर करके। इसके बाद है सिमेंटिक, सिमेंटिक मतलब शाब्दिक अर्थ से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड। सिमेंटिक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन, मतलब जब आपने किसी चीजों का मीनिंग जान लिया, आपने उनका अर्थ जान लिया है तो आपको वो चीजें याद हो गई हैं। लाइक आपको कैपिटल वर्ड बोल दूं मैं, कैपिटल वर्ड बोल दूं, आपको पता है कि कैपिटल क्या होती है मैम? राजधानी होती है। या फिर आपको कैपिटल वर्ड ही बोल दूं तो आप कहोगे कि मैम कैपिटल वर्ड तो ना यूज होता है जब हमें लैंग्वेज लिटरेचर लिखना होता है इंग्लिश का, तो या तो हम स्मॉल वर्ड्स में कैप्शन करते हैं या फिर कैपिटल वर्ड में करते हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड दैट इज लंडन, ठीक है, तो आपने फटाफट बता दिया और फिर मैंने ऐसे लिखा ए, तो मैंने तुमसे पूछा इट इज अ कैपिटल और अ स्मॉल वर्ड, तो भी आपने बता दिया कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल वर्ड दो बार यूज हो रहा है बट देर इज अ डिफरेंट मीनिंग इन बोथ ऑफ द टाइम, ठीक है। तो हमारी सिमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसका हिस्सा दुनिया के जब चीजों को समझते हैं और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है तो सामान्य ज्ञान में हमने उसे ऐसे ही याद कर लिया है। इसके बाद एपिसोडिक, प्रासंगिक मतलब प्रसंग से जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ में कोई इवेंट हुआ है आप उससे जुड़ी हुई है। मैंने जैसे आपको इंजरी का एग्जांपल दिया। रिस्पॉन्सिबल ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स लाइक एपिसोड्स, एपिसोड से जुड़ी हुई है एंड लाइफ इन्वॉल्व कॉन्शियस, आप जब भी आपकी मेमोरी में सेफ हुई तो आप एक कॉन्शियस पर्सन थे उस टाइम, आपने याद कर लिए। लाइक एग्जाम्पल वुड बी अ मेमोरी ऑफ योर फर्स्ट डे इन स्कूल, मतलब फर्स्ट पीरियड ऑफ स्कूल, तो आपको वो याद है। तो दीर्घकालिक मेमोरी का इसीलिए है क्योंकि ये हमारे सामने थी और ये भी डिक्लेरेटिव है, आप इन्हें आराम से बता सकते हो, डिक्लेरेशन कर सकते हो। इसके बाद है मार्क्स, एक अच्छी स्मृति बनाने के निशान क्या है या एक अच्छी स्मृति के निशान क्या है, किसे आप एक अच्छी मेमोरी बोलोगे? रिपिडिटी, मतलब अगर आपने लर्निंग की है तो आप उसे जल्दी से दोबारा से क्या कर लोगे? रिकॉल कर लोगे। देन गुड रिटेंशन, कुछ समय तक प्रतिधारण जरूर रहेगा। अ क्विक रिकॉल, आपको अगर चीजें अच्छे से लर्न हो गई हैं, आपकी मेमोरी में ट्रेसेस जुड़ गए हैं तो आप बहुत जल्दी त्वरित रूप से मतलब एक्सेलरेटेड होकर चीजों को बता दोगे। एक्यूरेट रिकॉल, ऐसा नहीं है मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि बेटा टेल मी द फोर्स और आप बता रहे हो मोशन,
रिकॉल भी अच्छा होना चाहिए. मेमोरी ट्रेसेस उन्हें ही कोई बोलोगे, अगर मैं तुमसे पूछूं दिन तुम बताओ रात के बारे में, तो ये एक एक्यूरेट रिकॉल नहीं है. ठीक है, इसके बाद है क्विक रिकग्निशन ऑफ रिकॉल. अगर आपको रिकॉल भी करना है तो आप फटाफट रिकग्नाइज भी कर लोगे, पहचान भी कर लोगे, रिकॉल भी कर रहे हो और पहचान भी कर रहे हो कि यस मैम ये इससे रिलेटेड है. एंड स्टोरिंग रिलेवेंट फैक्ट्स, और ये तभी होती है जब आप कैसे अंडरस्टैंड करके लॉजिकल फैक्ट को ही ऐड करते हो, तो वो आपकी एक अच्छी मेमोरी में सेव हो जाते हैं. इसके बाद है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ट्रेनिंग ऑन मेमोरी कैसे, लर्निंग करके. ठीक है, लर्न करके, जब आपकी इच्छा हो इच्छित रूप से लर्न करके, अटेंशन प्रोवाइड करके, मेथड ऑफ मेमोराइजेशन. मेथड ऑफ मेमोराइजेशन क्रैम भी हो सकता है, जैसे आपको ना नंबरिंग ना अंडरस्टैंड नहीं कराई गई, आपको क्रैम कराई गई है 1 2 3. आप इतने बड़े हो गए तब भी तुम्हें 1 2 3 बहुत अच्छे से याद है, तो व्हेन वी आर रिपीटिंग इन अ हैबिट तो हम फिर याद हो जाती है. फॉलो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, एक चीज को मतलब जो हमारी प्रायर नॉलेज है, हमारी पीछे वाली नॉलेज को न्यू नॉलेज से जोड़ देते हैं तो वो हमारा एसोसिएशन हो जाता है, एंड अ गुड एसोसिएशन लीड्स टू अ परमानेंट मेमोरी. देन ग्रुपिंग एंड रिदम, चीजों को जोड़कर और राइम करके. राइम कैसे करके, जैसे हम जॉनी जॉनी फटाफट बोल देता है बच्चा, बी एस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, तो राइम करिए ना, तो बच्चे उस राइमिंग से जल्दी जुड़ जाते हैं. मेक अ यूज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस, जहां पे आप बच्चों के सेंसेस यूज कर रहे हैं. तो देखो तुम, आप लोगों ने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को ना पोएम सिखाई जाती है तो उन्हें ना एक्शंस भी कराए जाते हैं. ठीक है, जॉनी जॉनी फिर बोल देते हैं यस पापा, मुझे एक्शंस नहीं आते बट आई एम ट्राइंग, कि ऐसे एक्शंस करे जाते हैं तो बच्चों को इजीली लर्न हो जाती है. ईटिंग शुगर, बच्चा कर देता है नो पापा, तो ऐसे. काम लर्निंग एंड एटमोसफेयर, मतलब ऐसा लर्निंग एटमोसफेयर दें जिसमें कि नॉइस ना हो, जिसमें शोर ना हो. देन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ द लर्नर, लर्नर के खुद के फैक्टर, कि उसका मेंटल एटीट्यूड कैसा है, मेंटल एबिलिटीज कैसी हैं, एप्टीट्यूड बच्चे का कैसा है, बच्चा विलिंग है या नहीं है सीखने को. तो पर्सनल जो फैक्टर है बच्चे के, पर्सनल करेक्टरिस्टिक हैं, वो भी इसी में इंक्लूड होगी. प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट एंड चेंज, अगर आप कुछ चीज लर्न करा रहे हो, मैं काउंटिंग ही लर्न करा रही हूँ कि बच्चा बोलो 1 2 3, मैंने ऐसे 10 तक लर्निंग करा दी तो लर्न कर लिया बच्चे ने बड़ा जल्दी से रट्टा मार लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब मैंने फिर से रट्टा लगाया, मैंने ना उन्हें 10 बार बुलवा दिया. ठीक है, फिर बच्चा क्या हुआ, एग्जॉस्ट हो गया, है ना. एग्जॉस्ट होने से क्या होगा, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी. एनर्जी डाउन हुई तो फिर क्या होगा, बच्चा आगे लर्न नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए लर्निंग को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए उन्हें रेस्ट भी प्रोवाइड करना है और चेंजिंग भी होनी चाहिए. इसीलिए हम सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाते दिन में, एबीसीडी की क्लासेस भी होते हैं छोटे बच्चों की, क ख ग की भी क्लासेस होते हैं कि उन्हें प्रॉपर रेस्ट भी मिल जाए एंड दे डू चेंज ऑल्सो इन देयर डेली रूटीन. देन रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, मैंने तुम्हें जब हैबिट मेमोरी और क्विक मेमोरी सिखाया था तब भी ये बताया था कि अगर आप चीजों को रिपीट करते हो तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है. तो प्रशिक्षण कैसे करेंगे, सीख कर, पढ़ कर, एसोसिएट करके, मतलब सहयोग बना के चीजों का. देन ग्रुपिंग करके, लय से अधिकतम संख्या में जो है उनके अर्थ बता के, माहौल बना के, उनको आराम दे के और बार बार रिपीटेशन करा के, तो हम चीजों को अच्छे से लर्न भी करा सकते हैं. देन इकोनॉमिक मेथड ऑफ मेमोराइजेशन, इकोनॉमिक मेथड का क्या मतलब है, कि ये आर्थिक रूप से भी इजी है, एक्सपेंसिव नहीं है. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक मेथड, इकोनॉमिक मेथड वो होता है जिसके अंदर ना तो वेस्टेज ऑफ मनी हो, ना वेस्टेज ऑफ टाइम हो, ना वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो, और ना ही वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो. तो इकोनॉमिक मेथड मींस देयर इज अ नो वेस्टेज एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज. इन साइकोलॉजी दिस मेथड इज अ लर्निंग इन मेमोराइजेशन, अवॉइड द वेस्टेज, जिसके अंदर वेस्टेज को खत्म करने के लिए, आपकी एनर्जी को सेव करने के लिए और मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करे जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज इकोनॉमिक मेथड ऑफ मेमोराइजेशन. याद रखने की किफायती पद्धतियां हैं. किफायत क्या होती है, जैसे आपकी मम्मी मार्केट जाती है तो सब्जी वाले भैया कहते हैं कि ये ना दीज आर 20 रुपी पर केजी, ऐसा कुछ बोला तो वो कह देते हैं कि नहीं भैया 15 लगा लो, तो वो किफायती हैं चीजें, उन्हें वो 20 में भी मिल रही है चीजें, उन्हें वो 15 में भी दे रहा है, बट उन्होंने चीजों को सेव करने की कोशिश करी है. दे ट्राई टू रिड्यूस द वेस्टेज. अर्थव्यवस्था में अधिक आर्थिक पद्धति है कैसे, मनोविज्ञान ये कहता है कि याद रखने में वो गतिविधियां शामिल करनी है जिसमें ऊर्जा की बर्बादी ना हो, जिसमें पैसों की बर्बादी ना हो और जिसमें स्रोत की भी कोई बर्बादी ना हो.
द रिसाइटेशन फर्स्ट मेथड है द रिसाइटेशन. रिसाइटेशन मेथड क्या होता है? स्वर रटवाना, रिसाइट करना, मतलब पीछे पीछे बोलना. जैसे मैंने अभी तुम्हें पोयम के बारे में बताया, जॉनी जॉनी बच्चे कहते हैं यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा. तो हम ना चीजें स्वर रटवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, याद कराने की. तो रिसाइट मींस रिकॉल द एक्टिविटी व्हाट वन हैज लर्नड, जो जिसने जो एक्टिविटी याद कर ली उसे बार 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 रिकॉल कराना है. इट इंडिकेट हाउ मच मनी कैन बी मास्टर्ड, मतलब हाउ मच हमने कितना मास्टर कर लिया है और कितना येट टू मास्टर है, कितना हमें मास्टरी करनी है. कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एनर्जी सेव होती है, एंड सब्स्टिट्यूट भी ये होता है कि देखो अगर मैं बात करूं तो छोटी क्लासेस में तो ये रिसाइटेशन हेल्पफुल है पर बड़ी क्लासेस के लिए हेल्पफुल नहीं है. तो रिव्यू अगर मैं किसकी बात करूं, रिव्यू की, तो रिव्यू रिसाइटेशन का दूसरा मेथड है. रिव्यू समीक्षा करके देखना, बच्चों से बार बार पूछना. अगर मैं आप लोगों से बार मैं अगर मैंने आपको कोई टॉपिक दे दिया और मैं क्लास में आके कहती हूँ कि आपको ये लर्न करके आना है, तो मैं उसे रिपीट कराने की कोशिश करती हूँ. हो सकता है कुछ बच्चे तो करे ना, देखो वो तो एक्सेप्शन है, जो नहीं पढ़ना चाहते वो नहीं पढ़ेंगे. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार बोलूं या ना भी बोलूं, वीडियो अपलोड होते ही वो चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हाँ मैम ने कुछ अपलोड किया है, तो वो इम्पोर्टेंट ही होगा. तो वो बच्चे देख रहे हैं, बट अगर मैं उनकी समीक्षा बार बार कराऊं कि आई डू द डिस्कशन, डिबेट करा दूं मैं उस चीज के ऊपर, डिस्कशन करा दूं, या बच्चों से उनकी क्रिटिसिज्म मांग लूं कि नहीं भाई मुझे बताओ रिसाइटेशन कैसे खराब मेथड है, तो बच्चे बता देंगे मैम बड़ी क्लासेस में यूज नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपको एक चीज और बार बार रिकॉल करानी पड़ती है. तो रिव्यू समीक्षा करना इसका बेस्ट मेथड है फॉर द हायर क्लासेस. सॉरी, फिर इसके बाद आते हैं द वोल एंड द पार्ट मेथड. वोल का मतलब होता है संपूर्ण, एंड द पार्ट मेथड होते हैं क्या हमारा कौन सा आंशिक विधि. आंशिक मतलब जिसमें एक छोटा पार्ट लेके चलते हो. शुड वी मेमोराइज द गिवन मटेरियल एज अ होल और पार्ट. सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि आपको पूरी चीजें एक साथ याद करनी है, कि आपको सारी चीजें आधी आधी करनी है. आप छोटे बच्चों को सबसे पहले 1 to 10 सिखाते हो, ना कि 1 to 100 सिखाते हो. तो समटाइम वी आर फोकस्ड ऑन अ पार्ट मेथड एंड मेनी ऑफ द टाइम्स वी आर फोकस ऑन अ वोल मेथड. वोल मेथड लाइक आपने पोयम करवाई है तो आप एक दिन में ही करा देते हो. इफ इट इज अ शॉर्टर तो आप एक दिन में करा देते हो. लॉन्ग है तो फिर हम पार्ट मेथड पे ही जाते हैं. या समटाइम वी डू द मिक्स मेथड. कई बार हमने पूरी करा दी, मतलब पढ़ा मैंने पूरी थी, 2-3 बार बुलवा दिया, पर बच्चों को कहा कि तुम सिर्फ ना एक पैराग्राफ लर्न करके आना. एंड साइकोलॉजिस्ट फेवर द रीडिंग ऑफ लेसन बिकम्स अवेयर ऑफ कॉन्टिन्यूटी से कराना चाहिए. अगर आप डिसकॉन्टिन्यूटी से कराते हो तो वो स्टोरी अगर किसी स्टोरी फॉर्म में करा रहे हो तो वो छूट जाती है एंड यू हैव टू रिवाइज अगेन. तो पार्ट मेथड कहां से रहा, दोबारा से वोल मेथड ही लेके आए हो. इसके बाद है पार्ट मेथड. पार्ट मेथड का मतलब है जब आप किसी चीजों को क्विकर करना चाहते हो और आप डिस्क्रीट फॉर्म में देखना चाहते हो, मतलब आप पूरा वर्णन करना चाहते हो, तो हम बच्चों को स्मॉल स्टेप में सिखाते हैं. डिस्क्रीट का मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ कर देखना, तो आप स्मॉल मेथड में ही समझाते हो, वो आपकी पार्ट मेथड हो जाएगा. क्लियर. देन इसके बाद है स्पेस्ड और अनस्पेस्ड. स्पेस आई थिंक अंतराल होता है, वितरित और संकलित. वितरित मतलब चीजों को बांट कर, स्पेस प्रोवाइड करके, इतना काम आज कर लो, इतना काम कल कर लो. जैसे मैं आपकी क्लासेस ना ऐसे डे बाय डे नहीं ले रही हूँ, या एक दिन में 3-4 नहीं ले रही हूँ. आई गिव यू द स्पेस कि बेटा आज इतना कर लो, कल ये कर लाना, परसों ये कर लाना. ऐसे दिस मेथड इज अ यूजफुल व्हेन इट हैज टू मेमोराइज अ लार्ज अमाउंट. व्हेन यू हैव टू लर्न दैट मच तो आपको इतना इतना करके देना पड़ेगा. आपको एक दिन में साइकोलॉजी की बुक लर्न करने के लिए नहीं बोल सकती, इससे आपको याद भी नहीं हुआ. एग्जामिनेशन टाइम पे भी आपको पूरी साइकोलॉजी की बुक तभी मिलती है व्हेन यू आर रिवाइज्ड अ लॉट ऑफ टाइम. उनके अकॉर्डिंग किया है तुमने, बट तुमने नहीं किया तो वो आपकी गलती है. टू मेथड्स आर बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन पे समझ आते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अनस्पेस्ड यूज कर सकते हो या स्पेस्ड कर सकते हो. आपके पास शॉर्ट टाइम है, आपका शॉर्ट इंटरेस्ट है एंड यू फील बोर्ड इजीली और यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी. तो स्पेस मेथड वो होता है व्हेन यू आर डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेशन एंड इट इज इन अ इंटरवल. एंड अनस्पेस्ड मेथड वो होता है जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस नहीं करनी है, विदाउट इंटरवल यू हैव टू डू द ऑल द लर्निंग एट अ सिंगल टाइम, तो आपकी वो अनस्पेस्ड हो जाएगी. आप कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, ठीक है. तो अंतराल और बिना अंतराल, मतलब अवधि अंतराल जिसमें आप दे रहे हो तो वो वितरित हो जाएगी, जिसमें आप अवधि अंतराल नहीं दे रहे हो वो आपकी संकलित हो जाएगी, मतलब अनस्पेस्ड हो जाएगी. इसके बाद अनस्पेस्ड लर्निंग को मास लर्निंग भी बोला जाता है.
स्पेस लर्निंग क्या होती है, कंपैरेटिवली बढ़िया होती है और एक ही एनर्जी को सेव भी कर लेती है कि मान लो अगर बच्चा इतना ही लर्न कर सकता है तो उसको इतना टाइम मिल रहा है, वो लंच कर लेगा, वॉशरूम जा लेगा, पानी पी लेगा, तो इससे क्या होता है इंटरवल से ये हो जाता है आपकी एनर्जी रीन्यू हो जाती है, आप अवेयर हो जाते हो, आप अपना थ्रेशोल्ड बना सकते हो कि मुझे यहाँ तक पीक बना सकते हो. एंड इफ योर इफ समथिंग इज डिस्टर्बिंग यू तो उसको भी गैप मिल जाता है और लर्नर के पास मटेरियल कलेक्ट करने के लिए और रिसोर्सेज को बेटरली यूज करने के लिए भी पूरे चांसेस होते हैं. क्लियर? तो वितरित में यही है कि लगातार पढ़ने से बहुत सारी बाधाएं आने लग जाती है और संभावना लर्निंग की अधिकम की कम होती चली जाती है. तो इससे हमें बचाने के लिए भी शिक्षार्थी स्पेस्ड मेथड यूज कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन द डिफरेंट ट्रायल शुड बी केयरफुली. अब कितने टाइम में दूसरा करा देना है ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में करा रहे हो. मान लो मैंने 1 to 10 आज करा दी, 2-3 दिन तक मैं उसे रिवाइज कराती रही, फिर मैं 11 to 20 जल्दी स्टार्ट करा दूंगी, फिर ये हो गई तो मैं 21 to 30 भी करा दूंगी. तो ये कितना स्पेस उन्हें गिवन करना है, ये जो करा रहा है द ट्यूटर उसको डिसाइड करना है. और इंटरवल, लॉन्ग इंटरवल भी आपकी लर्निंग को खराब कर सकता है. तो मटेरियल को मेमोराइज करने के लिए द डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी वेरी केयरफुल. इसके बाद है एक्टिव एंड पैसिव मेथड. ये मैंने तुम्हें पीछे बता दिए हैं. एक्टिव मेथड वो होता है जिसके अंदर, मतलब एक्टिव मेमोरी बताई थी, इट इज रिसेम्बल विद दैट ओनली. तो एक्टिव मेथड वो होता है जिसके अंदर बच्चा डिस्कशन कर सके, अपने व्यू पॉइंट पुट कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते और फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों वो क्लास में प्रेजेंट हो. समटाइम्स यू आर लाइक, हम ना क्लास में प्रेजेंट होते हैं फिजिकली ओनली और हम साइकोलॉजिकली कहीं और होते हैं. तो एक्टिव मेथड में आप दोनों स्टेट में एक्टिव होते हो. ठीक है. एंड पैसिव मेथड में, निष्क्रिय मेथड में क्या होता है, चिल्ड्रन जो है मेमोराइज कर लेता है, रट्टा लगा लेता है, एक्टिवली नॉट इन्वॉल्विंग. व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग दैट इज आल्सो एक्टिव मेथड. व्हेन यू आर क्रैमिंग समथिंग दैट इज आल्सो अ कैसा मेथड, पैसिव मेथड. देन क्रैमिंग मेथड, क्रैमिंग मेथड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अ सम टाइम. जेम्स ट्रेवर ने ये कहा है कि जो एग्जामिनेशन के लिए मेथड होता है बहुत टाइम है मेमोराइजेशन ही कर रहे होते हैं बाय रिपीटेटिव मेथड. अगर कोई तुम्हें ये कह दे कि ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप चीजों को ना रिवाइज कर लेते हो बार 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 कि ये तो आने वाला है पेपर में. इसमें बच्चे कॉन्स्टेंट रिपीटेशन करते रहते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती. वैसे क्रैमिंग में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप बस सेशन के अकॉर्डिंगली आप उसे रिवाइज कर लेते हो. एंड लोअर इंटेलिजेंस होते हैं उनके लिए बहुत बेटर होता है. तुमने सुना होगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मैथ्स के सम ऑल्सो दे कैन क्रैम, तो वो वहां पे उनकी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि दे कैन अंडरस्टैंड, तो वो क्रैमिंग कर लेते हैं. ग्रेजुअली हैबिट हो जाती है क्रैमिंग की, तो उन लोगों के लिए भी ये क्रैमिंग मेथड ईजी है लर्निंग का. रटने की जो ये विधि है, बार बार चीजों को दोहरा कर, किसी एक पद्धति का सहारा लेकर और अपनी हैबिट ऑफ क्रैमिंग विकसित करके भी हम क्या कर सकते हैं, रटने की विधि को इन्हेंस कर सकते हैं. और लर्निंग तो बढ़ती ही है, मेमोरी तो खैर बढ़ती है इससे. लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी कर आके, लर्निंग बाय डूइंग जिसमें अधिगम तुम्हें खुद से क्रिया कर कर सीखना है वो होता है लर्निंग बाय डूइंग. इसमें डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी तभी, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल मेमोरी तब होती है व्हेन यू आर डूइंग समथिंग. इट मींस वी कैन से दैट व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली देन इट इज अ लर्निंग बाय डूइंग एंड द चाइल्ड इज डूइंग इटसेल्फ ओनली. तो इसमें बच्चा अपनी सारी सेंसेस यूज कर लेता है. मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था कि जब आपकी ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो परमानेंट सी की तरफ चलती रहती है. क्रियाविधि है, क्रियाविधि में क्या है, बच्चे कुछ ऐसी क्रियाओं में संलग्न होते हैं जिसके अंदर उनकी जो स्थायी लर्निंग है वो इंक्रीज होती रहती है और इससे बच्चों की ज्यादा से ज्यादा इंद्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उनकी हैबिट ऑफ लर्निंग भी इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ आइडिया. इट इज ऑल्सो अ मेथड कि जिसके अंदर आप इसे आप एसोसिएशन मेथड भी बोल सकते हो. कि एसोसिएशन मेथड क्या होता है, जब आपके पास एक या दो मेथड हैं आप उन्हें या तो कनेक्ट कर लो और यू कैन एडजॉइन योर प्रायर नॉलेज विद अ न्यू नॉलेज. जब आप पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ लो तो भी वो हमारा एसोसिएशन ऑफ आइडियाज कहलाएगा. इस मेथड में भी क्या होता है कि फैक्ट्स ऐसे रिलेटेड होते हैं कि बच्चे अपना मेंटल मेकअप प्रिपेयर कर ले. मान लो आई गिविंग दिस एग्जाम्पल अ मेन्यू ऑफ टाइम. मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम्पल को जानते हैं कि मैम बहुत बार यूज करती हैं एंड आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज ये बहुत ईजी है और आप अच्छे से समझ भी जाते हो. लाइक एक चिल्ड्रन है, सॉरी एक बच्चा है, वो पार्क में जाता है अपने पापा के साथ एंड ही सी अ डॉग. तो वो पापा से पूछते हैं कि पापा क्या है ये, तो पापा बताते हैं बेटा इसे ना डॉग बोलते हैं. तो पूछते हैं क्यों बोलते हैं डॉग, क्योंकि इसकी चार टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, तो इसे डॉग बोलते हैं.
ठीक है, वो दो तीन दिन तक उस डॉग को देखता है, वो अपनी मेमोरी में क्या कर लेता है, सेव कर लेता है, ट्रेसेस बना लेता है कि हाँ ये तो ना डॉग होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 4-5 दिन बाद वो बच्चा फिर से पार्क में जाता है एंड ही सॉ अ कैट। तो पूछता है कि पापा देखो डॉग है, डॉग है। तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटा ये डॉग नहीं है। तो पूछता है बच्चा क्यों डॉग नहीं है, तो उसके पापा बताते हैं कि नहीं ये तो ना कैट है। तो बच्चा फिर पूछता है कि पापा कैट कैसे है, तो बता देते हैं कि डॉग कैन बार्क पर कैट म्याऊ म्याऊ करती है। ठीक है, तो बच्चा फिर से ऐड कर लेता है। देन उसे एक न्यू बच्चा मिलता है, उस बच्चे के पास भी वही मेमोरी ओनली डॉग वाली एंड कैट वाली। उसका फ्रेंड था, उसी ने वो मेमोरी दी है कि देख भाई ये ना डॉग होता है, डॉग की 4 टांगे होती है और एक पूंछ होती है। अगले दिन वही बच्चा उस कैट को देखता है और वो कहता है कि देख भाई डॉग है। तो वो मना कर देता है कि डॉग नहीं है तो कैट है। तो वो उससे पूछता है कि कल तो तूने बताया था कि जिसकी 4 टांगे एक पूंछ होती है वो डॉग होता है। तो वो बोलती है, तो फिर उसे डिफरेंस बता देता है। तो एसोसिएशन यही है कि आपके पास 4 टांगे एक पूंछ तो पहले से थी दिमाग में, बट आपने उनकी बोलने की जो स्किल है वो भी एड ऑन कर ली, तो आपके पास नए एसोसिएशन ऑफ आइडिया हो गए हैं। तो मेंटल मेकअप में नई रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए यू हैव टू एसोसिएट, नहीं तो डिसइक्विलिब्रियम कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, विलियम जेन्स इज द व्यू ऑफ दिस बेस्ट मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। ये ध्यान रखने की बात है कि किसने इसे बेस्ट मेथड ऑफ मेमोराइजेशन बोला था, विलियम जेन्स ने। तो ये सैचोरिया विधि क्या है, जब आपके पास ज्ञान के दो पहलू मौजूद हों तो आप अपने पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए जो सैचोरिया स्थापित करते हो अपने मानसिक ढांचे में, वही आपकी सैचोरिया विधि होती है। इसके बाद है मेथड ऑफ इंटेंशनल मेमोराइजेशन। यहाँ पे आप क्या हो, जानबूझकर, और हम कह सकते हैं कि आप अवेयर हो कि मुझे ये चीजें याद करनी है। दिस मेथड हाईलाइट द रोल ऑफ इंटेंशन, कि बच्चा कितना काम करना चाहता है तो ही उसकी मैक्सिमम लर्निंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। वुडवर्थ क्या कहते हैं, दिस विल टू लर्न इज नेसेसरी इफ लर्निंग इज टू बी अकम्प्लिश्ड। अगर लर्निंग को पूर्ण बनाना है, संपूर्ण बनाना है, तो बच्चे की विल, उसकी इच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यही है कि ये इस भूमिका पे प्रकाश डालती है कि बच्चा अधिकतम तभी सीख सकता है, वो अपनी मेमोरी को तभी सेव कर सकता है, उसके डेवलपमेंट कर सकता है, जब वो इच्छा सीखने की इच्छा रखता है। इट इज ऑल अबाउट मेमोरी। देखो यहाँ पे मैंने आपको मेमोरी बता दिया, मेमोरी के टाइप्स बता दिए, हाउ टू मेक अ गुड मेमोरी ये बता दिया, इकोनॉमिक मेथड बता दिए मेमोरी के, और मेमोरी डेवलपमेंट की सारे क्राइटेरिया आपको समझा दिए हैं। It is all about memory. If you have any kind of query, then you can put a comment. I'll reply surely. So that's it about memory. Keep going, keep growing, and keep learning, my dear student. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe. Bye bye. Take care.